चलिए अपने एक नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलवाता हूँ, शिवम अरोड़ा से, जिसका ऑल इंडिया 102 रैंक है। अभी इसको एनआईटी सूरत का अलॉट हुआ है। अलॉट होने के बाद इसने अपग्रेड किया है कि हो सकता है ऊपर मिल जाएगा, त्रिची मिलता है तो ठीक, नहीं तो एनआईटी सूरत कल में एडमिशन लेगा। मैं इस बच्चे के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा, इसने लास्ट ईयर भी एमसीए का प्रिपरेशन किया था और लास्ट ईयर रैंक अच्छी नहीं आने की वजह से जो एनआईटी मिल रहा था इसने सोचा नहीं मुझे ऊपर के, इसका प्लान पहले से दिमाग में था कि मुझे या तो त्रिची या सूरत कल या इलाहाबाद किसी एक एनआईटी से ही करना है। अगेन ड्रॉप लिया, प्रिपरेशन किया और इस बार एनआईटी सूरत कल अभी मिल चुका है। और देखिए क्या होता है, आप में से कई बच्चे ये पूछते हैं मुझसे कि सर ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, तो इस बच्चे के साथ आप सुनिए कि इसके एक्सपीरियंस क्यों इसने ड्रॉप लिया। क्योंकि मैं हमेशा ही मानता हूं कि ड्रॉप लेना गलत नहीं, पर ड्रॉप अगर लेते हो तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि ड्रॉप लेने से एक साल खराब होगा तो ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अगर आप ये सोचते हो ड्रॉप लेने से ये इन्वेस्टमेंट करोगे आप, तो ये एक आपका, अगर ये वर्ड आप सोच के ड्रॉप लेते हो तो कभी भी कोई लॉस नहीं होगा। तो इसने वही किया और ये इसका इन्वेस्टमेंट ईयर था और उसका देखिए आपके सामने रिजल्ट है। और ड्रॉप, एक ड्रॉप से अगर आपके अगले 50 साल सुधरते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ड्रॉप लेने में कोई बुराई है। और ड्रॉप भी कई बार इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि इसने बहुत लेट फाइनल ईयर में ये प्लान किया था कि मुझे एमसीए देना है। तो अगर आप में से कोई भी सपोज ग्रेजुएशन कर चुका है तो अलग बात है, पर अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं तो इमीडिएटली एक्शन लें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। तो शिवम आप अपने एक्सपीरियंस बताओ, क्योंकि आप बहुत ही छोटी सी जगह से आए हो, बहुत दूर से आए हो, तो वो सारी चीजें जो जो आपके माइंड में, क्योंकि ड्रॉप वाले बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर भी होता है, तो वो सारे चीजें आप शेयर करिए बच्चों के साथ। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं शरद सर, प्रतीक सर और इम्पीटस गुरुकुल के पूरे स्टाफ को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। मैं मुरादाबाद यूपी का एक शहर है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने निमसेट दिया था लेकिन उसमें मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाई और मेरे को लगा कि मेरे को खुद को एक मौका देना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर निमसेट का रिजल्ट आया था तो उसके एक दो दिन बाद ही शरद सर की वीडियो आई थी कि अगर ड्रॉप लिया जाए तो क्यों लिया जाए और किन किन आस्पेक्ट्स को देखते हुए आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैंने उस वीडियो से बहुत मोटिवेट हुआ और मेरे को देख के ये लगा कि हाँ, अपने आपको एक बार चांस देना चाहिए, क्योंकि ड्रॉप लेना जैसे कि सर भी बोलते हैं कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है तो आप एक ड्रॉप आराम से ले सकते हैं और उस एक ड्रॉप, वो एक ड्रॉप आपकी पूरी इंटर लाइफ चेंज करते हैं, जैसे कि ये शरद सर खुद बोलते हैं। तो ऐसे ही मैंने सर की वीडियो देखी, उससे इंस्पायर हुआ और थोड़ा पहले भी सर की वीडियो देखता था लास्ट ईयर, काफ़ी सर की वीडियोस ने काफ़ी सपोर्ट करा मेरे को, ऑनलाइन वीडियोस यूट्यूब पे जो रहती हैं। और अभी मेरे को ऑल इंडिया 102 रैंक अचीव हुई है और मेरे को एनआईटी सूरत का अलॉट हुआ है और मैंने अभी अपग्रेड के लिए अप्लाई किया है उसमें और होप्स कि तिरछी मिल सकता है। और बाकी का मैं आप लोगों से यही शेयर करना चाहूँगा कि इम्पीटस में आके मेरे को बहुत अपने आप आज भी प्राउड फील होता है कि मैं एक इम्पीटस का प्रोडक्ट हूँ, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाया जाता है, रटवाया नहीं जाता। पढ़ाई कंसेप्ट के साथ होती है, ना कि रटवा के। क्योंकि अगर जो बंदा रट के पढ़ रहा है वो एक पेपर दो पेपर में तो रैंक ले आएगा, लेकिन जो कंसेप्ट से पढ़ रहा है वो एक क्या दो क्या हजार पेपर भी उससे ले लो तो वो उसकी रैंक कहीं नहीं गई। और इसी साल जैसे कि निम्स 2019 में आप सब लोगों ने देख ही लिया है कि कैसे पेपर था, इस बार का पेपर का लेवल क्या था, उसके अकॉर्डिंग ऑल इंडिया जो भी रैंक्स आई हैं इम्पीटस से वो काफ़ी अच्छी रैंक्स हैं। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि ड्रॉप लेना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप भी एक ड्रॉपर हैं तो बीइंग अ ड्रॉपर एक बात सोचिए कि आपका एक साल अगर आपकी पूरी आगे की लाइफ चेंज कर सकता है। अगर आपको कोई कॉलेज मिल रहा है, मान लीजिए अभी नीचे का कोई कॉलेज मिल रहा है लेकिन उससे अच्छा कॉलेज आप जानते हैं कि मैं इससे अच्छी चीज़ डिजर्व करता हूँ, तो आप अपने आप को बिल्कुल चांस दे सकते हैं। मेरे भी पेरेंट्स को पहले थोड़ा ऐसा लगा कि शायद ड्रॉप लेना सही होगा कि नहीं, अभी जो एनआईटी अलॉट हुआ है उसमें जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन उस सबसे पार निकल के, मतलब उस सब चीज़ों से हट के मैंने मम्मी पापा को कन्विंस करा, मम्मी पापा को भी समझाया, सर की वीडियोस दिखाई, पापा भी बहुत खुश हुए सर की वीडियो देख के और पापा ने और मम्मी ने दोनों ने सपोर्ट करा कि हाँ तुमको ड्रॉप ले लेना चाहिए और हम तुम्हारे साथ हैं। लास्ट टाइम भी जैसे जब मैं आया था भोपाल तो मेरी मम्मी ने एक बात बोली थी कि शिवम अब तेरे को एक मौका दिया, तेरे पे अब भरोसा है, एक साल के लिए तेरे को हमने पूरा मौका दिया, तू अपना बेस्ट दे और यहाँ के घर की टेंशन मत ले। तो मैं मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ वो उनकी वजह से खड़ा हूँ और शरद सर का सपोर्ट, प्रतीक सर का सपोर्ट, इस सब की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवम। जैसे इसने एक बात बोला ड्रॉप लेना, देखिए जो इसने बात बोली वो बात आप जरूर ध्यान रखिए कि आप कोई भी जब डिसीजन लेते हैं तो उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं। कभी भी शॉर्ट टर्म गेन में प्रॉब्लम हो सकता है, लॉन्ग टर्म में नहीं। और इम्पीटस के लिए हर एक बच्चा एक बात जरूर बोलेगा, चाहे वो ऑनलाइन स्टूडेंट हो चाहे ऑफलाइन स्टूडेंट है, यानी क्लासरूम स्टूडेंट, मैं हमेशा एक कोशिश करता हूँ, हमें पढ़ाई करनी है नॉलेज के लिए, ना कि नंबरों के लिए। जब नॉलेज की पढ़ाई करते हैं तो इसका बाद में ही फायदा मिलता है। इसलिए मैंने हमेशा कोशिश की कि चाहे कोई भी एग्जाम दो, कभी भी रट के मत दो।
अदरवाइज आज तो आप निकल जाओगे पर आगे क्या होगा, तो आपका ये जो पढ़ना ये कंसेप्ट है ना, ये आगे चल के आप प्लेसमेंट में देखोगे। आज इंपिटस के बच्चे जब जाते हैं उनका प्लेसमेंट भी हाईएस्ट पैकेज होता है, क्योंकि आप पढ़ के गए, आपको मेहनत की एक आदत पड़ गई, तो अब आप जीवन में बहुत आगे बढ़ो। ये मेरी शुभकामना आपके लिए, ऑल द बेस्ट वंस अगेन एंड कांग्रेचुलेशंस।